हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैनेजमेंट लर्निंग वर्ल्ड। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे एक मॉक टेस्ट फॉर द एनटीए नेट पेपर वन, और हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर एमसीक्यूज का एक वीडियो मैं पहले भी इस चैनल के ऊपर डाल चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, उसमें भी कुछ एमसीक्यूज हमने प्रैक्टिस किए थे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले लर्निंग वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर आज के हमारे इस मॉक टेस्ट को। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ यूज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। तो जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उनके कंटेक्स्ट में ऐसी कौन सी टर्म है जो हम यूज़ करते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं मूक्स, ओपन लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर टर्म है जो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मूक्स। अगर आपको मूक्स की फुल फॉर्म नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मूक्स की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है ओपन लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन लर्निंग से भी हम ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इनमें डिफरेंस बताता हूँ। देखिए, ओपन लर्निंग एक फिलॉसफी है। ओपन लर्निंग क्या है? एक फिलॉसफी जिसके थ्रू हम पढ़ते हैं। तो ओपन लर्निंग में हम क्या करते हैं, हम रेगुलर कॉलेजेस या स्कूल्स में नहीं जाते, हम घर से ही पढ़ते हैं अपने स्टडी मटेरियल से, या फिर हम किसी वीकली क्लास में एकाधिवर जाते हैं। तो ये हमारी ओपन लर्निंग होती है। सो ओपन लर्निंग जो है ये एक फिलॉसफी है, और डिस्टेंस एजुकेशन एक मोड है जिसके थ्रू हम ओपन लर्निंग करते हैं। ओपन लर्निंग इज़ ए फिलॉसफी एंड डिस्टेंस एजुकेशन इज़ ए मोड, और इस मोड के थ्रू हम जो एक्सेस करते हैं वो करते हैं मूक्स को। तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि ओपन लर्निंग हमारी एक फिलॉसफी है और डिस्टेंस एजुकेशन हमारा एक मोड है मूक्स को एक्सेस करने का। एंड मूक्स आर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जिन्हें हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं। तो स्वयं की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। सेकंड इज सोशल वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। थर्ड इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स। एंड फोर्थ इज सोशल वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स। तो इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है जहाँ पर हम मूक्स को एक्सेस कर सकते हैं। मूक्स को पढ़ने के लिए, मूक्स को एक्सेस करने के लिए, उनमें एनरोल करने के लिए जो गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म बनाया है उसका नाम है स्वयं। अगर आप भी चाहें तो अपनी फील्ड से रिलेटेड अगर आप किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो स्वयं पे जाके उसे एनरोल कर सकते हैं। स्वयं की वेबसाइट के ऊपर आपको वो मिल जाएगा। तो स्वयं की हमारी जो फुल फॉर्म है ये है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। जो गवर्नमेंट का यहाँ पर गोल है स्वयं को बनाने का, वो यही है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करे, जिससे वो स्टूडेंट्स जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, ऐसे एरियाज़ में रहते हैं, रिमोट एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर उन्हें एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, वो भी उन्हें एक्सेस कर सकें। सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। द क्वेश्चन इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड स्वयं प्लेटफॉर्म विद द हेल्प ऑफ आईटी कंपनी। सो ऐसी कौन सी आईटी कंपनी है जिसकी हेल्प से गवर्नमेंट ने ये जो स्वयं का प्लेटफॉर्म है मूक्स के लिए ये बनाया है। योर ऑप्शंस आर गूगल, IBM, TCS एंड माइक्रोसॉफ्ट। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इज़ ए कंपनी जिसके साथ कोलाब्रेशन करके गवर्नमेंट ने जो स्वयं का प्लेटफॉर्म है ये बनाया था। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड स्वयं प्लेटफॉर्म एंड व्हेन। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किस मिनिस्ट्री ने स्वयं प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और कब किया था। सो फर्स्ट ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन 2016। सेकंड इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन 2017। थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट 2016 में, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट ने 2017 में से लॉन्च करा था। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन 2017। 2017 में स्वयं प्लेटफॉर्म को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने यहाँ पर लॉन्च करा था। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज
नेशनल डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको डेट पता होनी चाहिए कि जो नेशनल साइंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं ये कब किया जाता है। ऑप्शन सा 28 जनवरी, 20 फरवरी, 3rd इज 20 मार्च एंड 4th इज 20 अप्रैल। सो राइट आंसर इज 28 फरवरी। 28 फरवरी का जो दिन होता है इस दिन हम नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। सिक्स क्वेश्चन इज ई पाठशाला हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय, सो ई पाठशाला जो प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है। फर्स्ट ऑप्शन इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सेकेंड इज NCERT, थर्ड इज CBSE एंड फोर्थ इज UPSC। सो ई पाठशाला जो लॉन्च करी है वो करी है NCERT ने। अब ये क्यों लॉन्च करी है और ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ई पाठशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है NCERT का, जहाँ पर आप NCERT द्वारा इशू करी गई जो बुक्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। NCERT जितने भी बुक्स जो है इशू करता है, फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास, उन सभी को आप एक्सेस कर सकते हो ई पाठशाला पे। और इसके साथ एक और प्लेटफॉर्म है EPG पाठशाला, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है, लेकिन जो ई पाठशाला है इट हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय NCERT। आई होप यू आर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, ए टीचर इज प्रिपेयरिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर टेकिंग वीकली टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ असेसमेंट द टीचर इज यूजिंग। तो आपको यहाँ पर बताना है कि एक टीचर है वो वीकली टेस्ट के बेस के ऊपर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है वो असेस कर रहा है, तो कौन सी टाइप ऑफ असेसमेंट है जो टीचर यहाँ पर यूज़ कर रहा है। योर ऑप्शंस आर समेटिव असेसमेंट, सेकेंड इज नॉम रेफरेंस्ड असेसमेंट, थर्ड इज फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड फोर्थ इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। सो योर आंसर हेयर इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ऐसी असेसमेंट होती है जो कोर्स के बीच में की जाती है, ये जानने के लिए कि स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है वो कहाँ तक पहुँची है। जैसे हमारे वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, या फिर क्लास में जो टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। 8th क्वेश्चन इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज नॉट एन्जॉयमेंट बट एजुकेशन थ्रू एक्सपीरियंस। ये एक कोट है, तो आपको बताना है कि ये जो कोट है ये किसने दिया है। हु हैज सेड द अबव लाइन्स, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सेकेंड इज दयानंद सरस्वती, थर्ड इज स्वामी विवेकानंद एंड फोर्थ इज रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये थर्ड यहाँ पर आपका ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद जी, इन्होंने ये बात कही थी कि द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज नॉट एन्जॉयमेंट बट एजुकेशन थ्रू एक्सपीरियंस। स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही महान पर्सन थे हमारे इंडिया के, जो एजुकेशन के बारे में उन्होंने अपनी काफ़ी ज़्यादा बातें रखी थी और उन्होंने अपनी एक एजुकेशन की फिलॉसफी भी दी थी। तो ये जो ऊपर लाइन दी है ये कही है स्वामी विवेकानंद जी ने। सो आई होप आपको ये मॉक टेस्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो भी आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।